हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रिया। आज हम 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए सुंदर से पोशाक बनाएंगे। ये देखिए, हम ये 2 कलर से बना रहे हैं, पिंक एंड वाइट कलर। आप किसी भी 2 कलर से बना के तैयार कर सकते हैं। हमने यहाँ पे फ्लैट घेरे की रो बना के तैयार करी हुई है 6। देखिए, 1 2 3 4 5 6 रो बनाई हुई है। अगर आपको फ्लैट घेरे की वीडियो देखनी है तो मैं आपको ऊपर आई बटन पर लिंक दे दूंगी, आप उस पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, या आप मेरे चैनल पे जाके भी वीडियो देख सकते हैं फ्लैट घेरा कैसे बनाते हैं। यह हमने 3 प्लाई की ऊन ली है। ये देखिए, इसके 3 धागे हैं। ये देखिए, 3 धागे हैं, तो ये हमारी 3 प्लाई की ऊन कहलाती है। और ये काफी सॉफ्ट होती है। और देखिए, साइनिंग वाली ऊन है ये। क्रोचेट हुक है 3.0 mm, 11 नंबर का हुक है। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और जो साथ में बेल आइकन है उसको दबाएगा, उससे मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी और आप मेरी वीडियो देख पाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए डिजाइन डालते हैं। अब यहाँ पे हम देखिए, हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। जो हम 3 चैन लेते हैं वो हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होता है। अब हमें देखिए 4 चैन लेनी है, 1 2 3 4, टोटल 7 चैन हो गई हमारी। अब 2 चैन स्किप करेंगे, 1 2, हुक पे बल लेंगे, 1 2 चैन स्किप करेंगे, 3rd चैन में डाल के डबल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से बन जाएगा। 4 चैन बनानी है, 1 2 3 4, 2 चैन स्किप करेंगे, 1 2, तीसरी चैन में डबल क्रोशिया बनाना है, 4 चैन, 2 चैन स्किप करनी है, 1 2, तीसरी चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट में आके ज्वाइन करेंगे। देखिए, लास्ट में 2 चैन बचे, स्किप करेंगे। अब देखिए, 1 2 3, तीसरी चैन में हुक को डाल के ज्वाइन कर देंगे। ऊपर की साइड हमारी 4 चैन है, देखिए इस तरह से बनाए। अब हमें यहाँ पे 4 चैन लेनी है, 1 2 3 4, 4 चैन लेने के बाद देखिए, ये हमारी सीधी साइड है, ड्रेस को हम इस तरह से पलट लेंगे, ये हमारी उल्टी साइड आ गई। अब देखिए, उल्टी साइड वाले जो हमारा ये डबल क्रोशिया है वहाँ पे हमें ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया से। देखिए, चैन में हुक डालेंगे और धागा पिक करेंगे, 2 लूप है, 2 में से 1 कर देंगे, हमारा सिंगल क्रोशिया बन गया। और देखिए, इस तरह से ये लूप बन जाएगा हमारा। नीचे 1 4 की चैन है, ऊपर भी हमारी 4 की चैन है। 3 चैन लेनी है, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। 3 चैन लेने के बाद देखिए, वर्क को हम देखिए सीधा कर लेंगे, सीधी साइड आ गए हम। अब जो हमारा ये ऊपर वाला लूप है, इसमें से हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए, यहाँ से हुक डालेंगे, 1 बना दिया हमने, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमने 12 डबल क्रोशिया बनाए। अब जो देखिए, जहाँ पे हमारा हुक है, देखिए हमारा हुक इधर की साइड है हुक, उसके नीचे वाला जो ये डबल क्रोशिया है यहाँ पे हमें वर्क करना है। हुक पे बल लेंगे और देखिए, हुक को हम नीचे से डालेंगे, डबल क्रोशिया हुक के ऊपर है, हमें नीचे से हुक डालना है और ड्रेस को इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइम हम डबल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पे हमारे 6 डबल क्रोशिया हो गए और इधर की साइड हमारे 12 डबल क्रोशिया हैं।
अब देखिए उल्टी साइड पे जो हमारा ये डबल क्रोशिया है, उल्टे हाथ की साइड पे ये वाला, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से, दो लूपे दो में से एक कर देंगे। अब हमें चार चैन लेनी है, एक दो तीन चार। यहाँ पे हमने चार चैन इसलिए बनाई है क्योंकि हमने नीचे भी चार चैन लिए, तो इधर भी हम चार चैन बनाएंगे। चार चैन बनाने के बाद देखिए ड्रेस को हम उल्टी साइड कर देंगे, ये हमारी ड्रेस की उल्टी साइड है। और इन दोनों के बीच में जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाए, इन दोनों के बीच में यहाँ पे देखिए एक छोटा सा लूप बन जाएगा हमारा, ये देखिए, ये देखिए ये लूप है। इसको हुक पे लेके यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, देखिए दो लूप है दो में से एक कर देंगे। अब यहाँ थ्री चैन लेनी है, एक दो तीन, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब ड्रेस को हम सीधी साइड कर देंगे और ये हमारे दो लूप बन जाएंगे, देखिए यहाँ पे एक है और ये हमारे दो हो जाएंगे। अब इसमें से हमें डबल क्रोशिया बनाना है 12 टाइम, देखिए एक दो तीन चार, 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब इधर की साइड हमें 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं, जहाँ हमारा धागा आएगा उसके नीचे ही, देखिए इस तरह से बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, ये 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया से, ये देखिए यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, दो लूपे दो में से एक कर देंगे, चार चैन बनानी है, ड्रेस को उल्टी साइड कर देंगे और इन दोनों के बीच में देखिए, इन दोनों के बीच में ये लूप बन जाएगा हमारा, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है, थ्री चैन, ये हमारा डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब देखिए सीधी साइड कर देंगे ड्रेस को और फिर से इस वाले लूप में 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं, यहाँ पे 12 बनाने के बाद फिर नीचे की साइड हमें 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर उसके बाद सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है यहाँ पे, फिर हमें चार चैन लेके देखिए यहाँ पे ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से इधर की साइड, और ऐसे बनाते हुए रो कंप्लीट करेंगे। देखिए वर्क के लास्ट में आ गए, लास्ट में आके इसे ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन देखिए हमें कहाँ करना है, जो हमारा ये वाला डबल क्रोशिया है देखिए, यहाँ यहाँ से हुक डालना है इस तरह से, हुक डालना है और स्लिप चैन से ज्वाइन कर देंगे, पीछे वाले लूप में से निकाल देंगे और एक चैन लेके धागा कट करेंगे। अपना पिंक कलर का धागा लेंगे और लूप बना देंगे। अब ड्रेस को हम देखिए उल्टी साइड कर देंगे, आप कहीं से भी धागा ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए जो हमारे चार लूप, चार चैन के ये लूप बने हुए हैं, देखिए चार चैन के लूप बने हुए हैं हमारे, वहाँ से धागा ज्वाइन करेंगे अपना, कहीं से भी आप धागा लगा सकते हैं। देखिए दो लूप है दो में से एक कर देंगे, ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया बन गया है। अब देखिए ये लूप बड़ा करेंगे हमें, अब फूल बनाने हैं, देखिए इस तरह से यहाँ पे हुक डाल के लूप लेने हमें, एक दो तीन, आपको जितने लंबे लूप रखने हैं आप उतने रख सकते हैं, जितने लंबे लूप लोगे आपका फूल उतना ही सुंदर बनेगा, चार पाँच छ सात आठ नौ 10, यहाँ पे हमने 10 बार लूप लिए हैं, आप इसको भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए 10 बार में हमारा फूल हैवी बनेगा, सुंदर लगेगा देखने में, 10 बार हमने लूप लिए, सारे लूप एक साथ निकाल देंगे और एक चैन से लॉक कर देंगे। ये देखिए चार चैन लेनी है, एक दो तीन चार,
और जो नेक्स्ट वाला लूप है यहाँ पे सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे चार चैन के स्पेस में, इस तरह से लूप बड़ा कर देंगे। देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, सारे लूप एक साथ निकाल देंगे। एक चैन से लॉक करना है और चार चैन लेनी है, एक दो तीन चार। देखिए ये वाला फूल हम इस तरह से बाहर की साइड निकालेंगे सीधी साइड, ये देखिए जैसे ये बना हुआ है। और जो हमारा ये वाला स्पेस है यहाँ पे होल है, यहाँ से हम निकालेंगे। देखिए कितना सुंदर लगेगा देखने में, ऐसे निकालना हमें ये फूल। देखिए चार चैन बनाने के बाद नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करना है और फिर से 10 बार लूप ले लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, सारे लूप एक साथ निकालने हैं और एक चैन से लॉक करना है। फिर चार चैन बनानी है, एक दो तीन चार, नेक्स्ट वाले स्पेस में ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशे से, ये देखिए। और इसी तरह से बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे। देखिए लास्ट में आ गए, लास्ट में आके चार चैन बना दी हमने। अब जहाँ हमने पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था, जो जहाँ से स्टार्टिंग करी थी, उसी सिंगल क्रोशिया की चैन में डाल के हुक को स्लिप चैन से ज्वाइन कर देंगे और एक चैन लेके धागा कट करना है। अच्छे से नोट लगा के धागा कट कर देंगे। और देखिए जो हमारे ये फूल बने हैं उनको हमें देखिए आगे की साइड निकालना है। देखिए जैसे हमने ये निकाल रखे हैं किस तरह से निकालना है, देखिए फ्रेंड्स ये हमारे देखिए पीछे की साइड है। इस तरह से देखिए फिंगर को हम ऐसे रखेंगे और पीछे की साइड सॉरी आगे की साइड निकाल देंगे। ये देखिए आपको ऐसे जैसे सही लगे उसी तरह से आप निकाल सकते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे फिंगर रखेंगे, बाहर की तरफ को निकाल देंगे। ये देखिए और इनकी शेप बना देंगे इस तरह से अच्छे से गोलाई में, ताकि हमारे फूल देखने में सुंदर लगे। और ऐसे हम निकाल के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमने सभी फूल निकाल दिए और देखने में कितनी सुंदर लग रही है हमारी पोशाक। अब हम देखिए डोरी बनाएंगे, आपको जितनी लंबी डोरी बनानी है आप उतनी लंबी चैन ले सकते हैं। देखिए लूप बना देंगे और इस तरह से हमें चैन बनानी है। डोरी डाल दी है हमने, 100 चैन लिए, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं फ्रेंड्स। और डोरी में देखिए हमने ये फूल बना दिया व्हाइट कलर से, डोरी बनाई है हमने पिंक कलर से और फूल बनाया है व्हाइट कलर से। देखिए लूप बना देंगे और जो हमारी चैन है देखिए पहली चैन छोड़ देंगे और दूसरी चैन में धागा ज्वाइन करेंगे अपना। अगर हम पहली चैन में धागा ज्वाइन करेंगे तो हमारी चैन पहले खिंच जाएगी, तो इसलिए हमें दूसरी चैन में से धागा ज्वाइन करना है। और यहाँ पे सिंगल क्रोशे से ज्वाइन कर देंगे धागे को, दो लूप पे दो में से एक करेंगे, लूप बड़ा कर देंगे। और यहाँ हमने 8 बार देखिए बल लिए हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ
आठ बार लूप लिए, सारे लूप एक साथ निकाल देंगे। एक चैन से लॉक करना है, चार चैन बनानी है, एक दो तीन चार। और देखिए जिस चैन में से हमने दूसरे चैन में से बनाया है वहीं पे हमें सिंगल क्रोशे से ज्वाइन कर देना है, सॉरी स्लिप चैन से ज्वाइन करना है। और एक चैन लेके धागा कट करेंगे और जो हमारे ये वाले धागे इनको हम छुपा देंगे। देखिए हमारी ड्रेस बन के तैयार हो गई है और देखने में बहुत सुंदर लग रही है। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बना के तैयार कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी बनाई भी कोई भी ड्रेस पसंद आती है आप वो ड्रेस मेरे से ख़रीद सकते हैं और उसके लिए आप मेरे से जीमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा आपको ये ड्रेस कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।